को दूर करनिया या ताकत से तेरे में एक गहरा के दुख दूर करनिया या ताकत से मेरे में आए बेबे तेरे सासू भी दिखा मने घना पारा परिवार दिखा है किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया नो बोली भाई तू पूछ है और फिर मैं तेने बताऊंगी यू है दर्द मने नंबर एक पे क्या पूछता है क्या बता बोला से बदमाश तेरा के ननंद जान करे लड़ाई घर में बात से बास तेरा के देवर से गड़ा ढिला बंद कर रखा सांस तेरा एक चोरा ने माल लूट लिया ए चोरा ने माल लूट लिया इस अंधी और अंधेरे में हमारे बीच में आदरणीय ये यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे बीच में पहुंचे हैं हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे बीच में पहुंचे एक बार तालियां बजाकर धनखड़ साहब का स्वागत करेंगे जो इतना कीमती समय निकालकर धनखड़ साहब हमारे बीच में पहुंचे हैं आरती की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं पूर्व कृषि मंत्री और वर्तमान में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष जी बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद चिट्ठी तो नहीं आई है किसी की मरने की खबर आई हो कोई दुख भरी चिट्ठी आई हो किसी रिश्तेदारी में कुछ हुआ हो नो बोली भाई पूछ तू फिर मैं बताऊंगी यू तू क्या बना है नंबर दो पे क्या कहती है बखियारी कसूती चिट्ठी आगी
कसूती चिट्ठी आगी गोती नाती प्यारे की के तेरे ते ओई लड़ाई सापत भाई चारे की लकड़ी ओ डाजड़ी ये कोठा दुनिया चोब नकारे की कोई आवे कोई जान लग रहा जगत सरा बठिया रे की कतड़ आली रात बना दी तन कतड़ आली रात बना दी सहमत का दिया चेहरे में खसम गुसाई ना कई रोज का भूखा सू मन रोटी तक भी खाई ना डेढ़ बरवन आए ना ओलिए तो सकदरी बिछाई ना मैं आया था फेरन खातर तू भी सुखिया पाई ना ए ओई कनार पसीना सुखे ओई कनार पसीना सुखे या सर्दी बड़े बथेरे में आदरणीय जयपाल धनखड़ साहब प्रधान बारा बारा खाप से 500 रुपए से दोनों पार्टियों को 500-500 रुपए से मान सम्मान हौसला बजाई करते हैं बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद और आदरणीय धनखड़ साहब भी कितने दे हैं टोटल 11 से धनखड़ साहब है साहब जी प्रधान जी 11-11 से तो होने चाहिए जी दोनों पार्टियों के एक बार ताली बजाओ धनखड़ साहब के नाम से जोरदार तालियां बजाएंगे 11-1100 रुपए से आदरणीय धनखड़ साहब पार्टी का मान सम्मान हौसला बजाई करते हैं बार बार धन्यवाद करते हैं धनखड़ साहब को जयपाल सिंह डागर साहब उप प्रधान जी धनखड़ बारा खाप के 500-500 रुपए से और मान सम्मान हौसला बजाई करते हैं बार बार धन्यवाद करते हैं धन्यवाद बार बार धन्यवाद नंबर 4 में राजा वीर विक्रमाजीत भटियारी को क्या कहता क्या समझाता है ए बैठे कली रोवे से बैठे कली रोवे से के बाप मराई सयाने का सारा बेग खोल के दे
काम नहीं शरमाने का इजा की जमान वतना जाने मैं मान छोड़ ठिकाने का पाण जी मारण लग गया मांगेराम सुसाने का ए मांगेराम सुसाने का पहला मोटर चलाई फिर सांग सीख लिया मोटर चलाई फिर सांग सीख लिया गुरु लक्ष्मी चंद के डेरे में धन माया के परे खजाने बाकी
अरे समय के कर हरी चंदन भरिया भंगी कै कर पानी आन बान शान बबलू साउंड कासनी जो पूरे उत्तर भारत में जिसका नाम आज के दिन बबलू साउंड कासनी 100 रुपए से मान सम्मान हौसला उठाई करते हैं, हृदय गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। नंबर तीन पे लड़का 12 साल के बाद कोहरे से बाहर निकला और उसका पिताजी कहता है बेटा जाओ अपनी मौसी के दर्शन करके आओ। दर्शन करने गया, क्या घटना घटी उसके साथ, क्या दर्शा, क्या बताओ।
सतै सुथरे ओ पते छोरा के तोड़े मैं पर मनया छी कोना ए लाकी अंजना ए पवन भूप के जोड़े मैं सदा सुख रे और बतेर ए छोरिया के पोरे मैं अच्छी को पवन भूप के जोरे मैं सुधरे और बतेरे भूप तो छोरिया के पोरे मैं अच्छी न बोलिए इसका सुधरे तेरे की छोरे के तोड़े में अच्छी कोना लागी अंजना पवन भूप के जोड़े में ए अंजना तू केस है जो पवन केस है थोड़ा सा होश कर देख हम समझावेंगे अगर समझ मत राजा अंतर बताने लागी नुमरी तू कह रही हो के ते कह दिया मत करे अंजना चारा पवन भूप में हे साठ कमी तू कर दे ब्याह कटारा तू से कती सफेद अंसनी बिलकुल का गकारा ओ सरात अंधेरी कैसा तू लेरी भान उजारा मेरी पान उजाला तू संगमरमर की संगमरमर की टुकड़ी से वो पश्म फूटे रोड़े मैं और बतेरे सोरा के तोरे मैं आसमान का फर्क है और हम तन्नू जाने थी जुनू मारियम जितने हम हैं आपस में सकी उनमें सब तशाणी तू है पर तू तो जमाए डूब गए के तो या तन यू दूसरी गली में के कह दिया जाने थी खुद श्याणी से अंजना तूने सतरी की दुख में सजा करने लाग रही न्यू मारे पीचरी सच बता दे अंजना बहना क्या के ऊपर मर गई इतना बुंडा पर टोया हे अंजना तू हद करी इतना बुंदा वरटोया अंजना तू हद करगी जो कोटी दुखिया माखी बनके कोटी दुखिया माखी बनके इसका दा दखा जोर फोड़े Yeah.
कोने इतने राजकुमार न्यू के न्यू फिर है और तू एक इस काले से मर गई, तेरा कुछ शर्माना चाहिए, कुछ तो सोच कर, कुछ तो मन में विचार कर। देख एक राजा का छोरा टोले इसे इसे ठाट कर देगा जो तूने सोचे भी नहीं, केले किसकी केले देखा दिया। पढ़ी लिखी सराज कवरे मिल जागा कोई छेल ईसा, सारी दुनिया घुमा दिखा दे जब ले जा कोई गहल ईसा। नौकर चाकर टहल करेंगे बेशक करिए फैल ईसा, सारी दुनिया घुमा दिखावे जब ले जा कोई गहल जागा कोई पहली सा। जो चावे सो है, जो चावे सो माल पर दिया देगी हाथ कोड़े मैं इस तरह और बतेरे ओ से प्रार्थना है कि जो भी बाहर खड़े हैं वो अंदर पंडाल में आने का कष्ट करें, क्योंकि हमारे आज के मुख्य अतिथि ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनके साथ में और बहुत से सम्मानित अतिथि हमारे मध्य पहुंचेंगे। सभी से प्रार्थना है जो भाई बाहर हैं कृपया करके पंडाल में पहुंचे। आखिरी कली में न्यू कह लागी है तने पेरा को नहीं जाता अगर वासा की सा आग रहे कित बड़ा है तू जागे त्रिशी पुदीन माटी करेंगे जिसका तने विचार भी नहीं करया होगा। आखिरी कली में चौधरी साहब ने बताया क्या क्या कर देंगे खाल तार ले सच्चा मैं मसाब रह छिंटम छिंटा अड़ा गोबर माटी जोड़े मैं इस तस्तर और बतेरे
और तेरी जोट पवन तना मिलती तेरे पिता की गलती तेरी चोट पवन तना मिलती जो नावर तेरा है तेरी अंजना जोड़ी ना मिली तेरे पिता की गलती तेरी चक्र पवन तना मिलती जो नावर तेरा है तेरे पिता की गलती तेरी चोट पवन तना मिलती तरके सुरक नक छोड़ भाजली नरक सुरक नक छोड़ भाजली नरक से फरक रात और दिन का से फरक रात और दिन का तू खिलरी बहन गगन का चला पवन अंधेरा ये तेरी अंजना जोड़ी ना हमारे आदरणीय दीपक वत्स जी का फतेहपुरी बाबा गोरखनाथ मंदिर कमेटी की तरफ से पगड़ी के साथ मान सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। ए हम तुम साथ रहे दिन रात तेरा सवरण तभी सुंदर गाते एक बात समझ ना आती तेरे सोए दुख सुख की साथी जी जड़ता मेरा है तेरी अंजना जोड़ी ना मिली तेरी जोड़ पाते ना मिली दोबारा बताओ जी एक बार नाम प्रधान जी आइयो आइयो एक बार बाबू जी ये जो आप 6 लाख रुपए की बात कर रहे थे एक साल की बात और है इसका 6 का तिगुना करके 21 लाख रुपए देंगा इसमें भगवान ने चाहिए तो बस आप फ्री अपने मंदिर की कमेटी रजिस्टर करवा लियो। ऊपर वाला देखा बाबा गोरखनाथ का मंदिर नहीं इतना बढ़िया बना के छोड़ा गांव आसपास में देखे वहां पे कोई मंदिर है। ले भाई बजाओ जोरदार ताली और जब ताली किसमें भी नहीं बजती फिर कोनी बजे बजाओ जोरदार ताली। ए तुम्हारे मसलाल एक रोड़ी एक शर्मा कन कर धन मोड़ी बे सकयायु थोड़ी थी बे सकयायु थोड़ी थी तेरी गंधर्व में जोड़ी थी नूची चलता मेरा ये तेरी जोड़ पवन चला गलती तेरी जोड़ पवन चला गलती तेरी जोड़
हमारे आदरणीय धनखड़ खाप बाहर आ गए प्रधान जी युद्धवीर जी यहाँ पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, तालियों से स्वागत करो एक बार। मंदिर कमेटी के नाम से 5100 रुपए देते हैं अपनी नेक कमाई से और हमारी टाल। हाँ भाई 500 रुपए दोनों पार्टियों के नाम, 500-500 रुपए दोनों पार्टियों के नाम। 6100 रुपए से सबका मान सम्मान करते हैं, एक बार जोरदार तालियां बजाओ प्रधान जी के नाम से। आगे बढ़। हे तेरी करणी मैं पड़ गया भंग, उड़ायो जागी तू काफी तंग, उड़ायो जागी तू काफी तंग, मान ले ए मेहर सिंह का कहना, दुख पावेगी मेरी बहना, मेरा दर्द घनेरा है तेरी उंगलियां जोड़ी ना मैंने, करनी में पड़ जा भंग, उड़ा हो जाएगी तो काफी तंग, तेरे चकवा चकवी सुने बोलते मंत्री देख इस पेड़ पे एक चकवा और चकवी है, जब वो आपस में भी रह की प्रेम की बातें करते हैं मेरा वंदना याद आएगी। अरे वह क्यों करोगी उस हाल में जिसका पति जीता हो और उसके पास नहीं हो, क्यों कर गुजारा करती होगी पहली गली में। युद्धवीर जी का पगड़ी के साथ सम्मान किया जा रहा है, एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई, जिसका भी सम्मान यहाँ मंच पे हो जोरदार ताली बजाया करो, जब जाकर तारे सहयोग दो मंत्र पूरा होगा। जो भी सम्मानित अतिथि हमारे मध्य पहुंचे अपने समय निकाल के, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आपसे भी निवेदन है, ये मंदिर गुरुद्वारे प्याऊ कुएं धर्मशाला पाठशाला ये नगरी की शोभा होते हैं। अरे हम पिछली बार आए थे जब भी यो मंदिर उड़े था, अरे पूरे एक साल पाछे आएगा जब भी आड़े है, थोड़ा सा विचार करो, इस मंदिर में धोक मारना हमने को नहीं आना, तामे ना मारनी है, तारी शोभा है, जिस भाई का जितना सामर्थ्य है वो दबाव नहीं है किसी पे, मंदिर कमेटी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है किसी पर, होया भी नहीं करता, दान तो श्रद्धा समान होया करे, जिसका जितना सामर्थ्य हो अपने ब्योत के हिसाब से मंदिर में अपना सहयोग दो, आड़े पत्थर लगेंगे उनके नाम के,
अगली दो चार पीढ़ी पांच सात पीढ़ी नो याद रखेंगे रहे मेरा धन दिए थे 52,000 रुपये यार, ये आपके लिए गर्व का विषय है, सोचो इस पर विचार करो। पहली गली में क्या कहना गया कभी सुनी नू अंजना का दिल तू है तोला बना रे पास हाथ में अब खड़ी महल पे तू है कच्ची कली खड़ी बाग में अरे तन मारी के सूखे ना बिल्कुल चुके ओ बाबरे ना बिल्कुल नू अंजना का मन भरी जा मेरे जिगर में फूक है चकवे बिनवा चकवी सुनी न्यू संजना का भी दिल दुख है अरे दोड़ा पाना बांस हाथ में खड़ी महल पे फूक है काची कली वा खड़ी बाग में बिन मारी के सुख है वा मर लेता ना बिल्कुल चुक है अंजना का मन भर गया अरे 12 साल हो अंजना के फिटर ने जिगर गया मंत्री अरे इतना लंबा अरसा कोई छोटा समय नहीं है ऊपर गुजारा कर रही होगी कितनी दुखी होगी अंजना ये कहना कमल कैसा टकरी होगी तने अंगना के था भाई मैंने शामी को नाव में रेडर लाके नुंडा को आजे आउटसाइड को आजे आप सुन लियो एक बार के कह दिया साड़ी में मखमल के साड़ा करी हो कि तने अंगना तीज त्यौहार पति बन सुने मारे बैठी मन अंगना रोका गाय के माँ दुख पाली वाय कली मेरे तने अरे जन जन काटे तने अंगना के काटे तने अंगना पर मैं पति न सतरी जा रहे Oh,
तोलियाद आई तरंजना की नोबलिया मंत्री पेश होती मैं बिना समझे मैंने यो काम कर दिया परीब समझ मांगी देखो वो शाने माने समझा आग रहे हैं कि जो बिना खता बिना किसी खोट के ब्याई भीर न छोड़ दे वो मानस कुछ नहीं हो सरे मंत्री मन दाज मेरा पाटिया जब मेरे और अंजना के धर्मराज के यहाँ सवाल होंगे अंजना एक तरफ जीत जाएगी उस मुकदमे में मैं फंस जाऊंगा मैं मान लूंगा इस बात ने कि गलती मन ने करी है तीसरी गली में के गए देखो कोड करी से धर्मराज का चले मुकदमा अंजना हूर परी से अंजना काना खोट रती भरे सारी खता मेरी से आज मेरी भूल के कारण मंत्री मेरी भूल के कारण मंत्री मेरा लाल रे तम जरी क्या मंत्री रो सीन मेरा के गन्यू फिर है महाराज कौन सा जब मेरा रंजना का रिश्ता तय होया अजरा इसी से तैयारी करया करती जो बतानी मुश्किल है न बोला महाराज किसी की सी तैयारी करया करती न बोला नू सुन ले उसकी वेशभूषा भी किसी थी और आज वो मैंने के कहती होगी रे के कहती बात कई ऊपर कर दी काम दया दया का फेर लिया फिर कट्ठी करी लामणी और वर्ती होने पहले मैं उसने पहरे सूट सामणी आज रो रो के न्यू कह जाटनी रो रो के न्यू कह जाटनी कड़ा जात मेरे संग मरी क्या रोवण है
धर्मराजपन में सर के पकड़ काल जारों में लगी बेटे की कोई बेटे आज कोई तने होगा धर्मराजपन में सर के पकड़ काल जारों में लगी बेटे की कोई रोवन लगी मां बेटे की कोली भर के आज कवर्तन जाना होगा उस धर्मराज परमेश्वर का बेटा नाना ओई बना ले खाना ओई खा ले दोबारा फिर से ये वक्त नहीं आएगा। नंबर एक पे क्या कहती है खाले अटके फेरे नहीं खाना जो कोई गया किले के भीतर अटके फेर नहीं आना। अरे जी सज गए तेरा बाप गया उसे जगह तने जाना प्राण लिकड़ गए डर डर के काम हो जाते तो मैं क्या हो जाती। नंबर दो पे बठियारी क्या करती सर धर गए
मोर असर भी कणी मणी रे अपने हाथ लूटा चलिया धर्म का बेटा ला रखा था अपने हाथ कटा चलिया इंदर मने मेरे पूत लाडले बाप का वंश मिटा चलिया अरे बिन सांकले कुंडे ताली बने बिन सांकले कुंडे ताली यो ताला पेड़ दिया घर के काम करूंगी नु बोला मां कौन से नंबर चार पे दादा मांगीराम ने क्या दर्शाया क्या बता बता लक्ष्मी चंद गुरु अपने के ऊट चरण नितनी होंगी तेरे मरने के बाद रे बेटा ना ठंडा पानी पीऊंगी जब जालेगा किले के भीतर एक घड़ी ना जीऊंगी तेरी गल्ला गल्ला आलूगी गल्ला गल्ला यो कफन बांध लिया सर के साफ लग्या दम पाँच सौ किसी
Yeah.
जंगल में हरा